आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाला नाश्ता कह सकते हैं या फिर टी टाइम स्नैक भी कह सकते हैं। ये बची हुई रोटियों का चूरमा या फिर कुस्कुरा इसे मराठी में कहते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और सबको पसंद भी आता है। और बची हुई रोटियों को फेंकने से अच्छा है इस तरह से रोटियों का उपयोग कर लेना। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने की ईजी सी रेसिपी। नमस्ते, मैं अनुजा आप सबका अपने कुकिंग चैनल कुक बुक लुक में स्वागत करती हूँ। तो कुस्कुरा या फिर चूरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बची हुई दो रोटियाँ ली हैं, ये मैंने सुबह बनाई थी। सबसे पहले मैं इन्हें छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी या फिर तोड़ लूँगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं इन्हें मिक्सर में डाल के बारीक सा या फिर थोड़ा सा रफली ग्राइंड कर लूँगी। तो लीजिए, हमारा कुस्कुरा या फिर चूरमा जो है वो बनके तैयार है। अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। इसके लिए भगार देने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया था, जिसमें मैं डाल रही हूँ जीरा और राई। इसके अलावा मैं डालूंगी कटी हुई मिर्ची। अब राई तड़कने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ प्याज, इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी नमक और थोड़ा सा सौटे कर लूँगी। प्याज जैसे ही नरम हो जाते हैं इसमें मैं ऐड करूंगी भुने हुए दाने। यहाँ पे मैं भुने हुए दानों का उपयोग कर रही हूँ, ना कि तले हुए, ताकि कम से कम तेल जो है वो यूज़ हो। इन्हें अच्छे से प्याज के साथ सौटे कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे एक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से सौटे करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हमारे थोड़े से स्पाइसेस, हल्दी और 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर। इन्हें अच्छे से टमाटर के मुलायम होने तक पकने देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे रोटी का चूरमा। इस समय हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, नमक, 1/2 छोटा चम्मच चीनी और 1 चम्मच भर के नींबू का रस। इन सबको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो हमारा रोटी का चूरमा जो है वो लगभग बनके तैयार है। इसे थोड़ी सी देर के लिए धीमी आंच पर मैं कवर करके रखूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, और 3 से 4 मिनट के बाद हमारा चूरमा जो है वो बनके पूरी तरह से तैयार है। थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और फिर इसे सर्व कर दीजिए। सर्व करने के बाद इसे धनिया के साथ बढ़िया से गार्निश कर दीजिए। थोड़ी सी शेव या फिर आपके पास अगर कोई नमकीन है तो उसके साथ भी आप इसे गार्निश कर दीजिए। ठंडे ठंडे दही के साथ इसे सर्व करिए, सबको बहुत पसंद आएगा। तो लीजिए, बची हुई रोटियों का ऐसा नाश्ता बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। कोई भी जो रोटी हमारी सुबह की बच जाती है उसे फेंकने की जगह आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। सबको पसंद भी आता है, चाय के साथ या दही के साथ ये लगता भी बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई लव यू गाइज सो मच, विल सी यू इन नेक्स्ट रेसिपी।